शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि एसी आपके घर या ऑफिस में लगे होने से आपके घर या ऑफिस के कमरे काफी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगते हैं। और समर सीजन में एसी एक तरह से मेडिसिन का काम करते हैं, जो आपको कंफर्टेबल और फ्रेश फील करवाते हैं। और इस साल आप भी 2023 में एसी परचेज करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एसी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा आपके कंफर्टेबल जोन के हिसाब, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे बेहतर और यूजफुल होने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप टेक, जहां पर आप टेक्निकल चीजों के बारे में डीपली नॉलेज ले सकते हैं और साथ ही अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एलजी के सबसे फेमस और पॉपुलर एयर कंडीशनर, जिसका नाम है AI 6-in-1 डबल इन्वर्टर। और डिटेल्स में जानेंगे कि इसमें AI का मतलब होता क्या है, 6-in-1 फीचर क्या है और इसे डबल इन्वर्टर ऐसे क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एलजी के ऊपर ये AI लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो AI जो इसमें होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है, और ये रूम की कंडीशन को सेंस करता है। इंडोर यूनिट में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जिसके द्वारा सेंस करके आउटडोर यूनिट को कमांड देता है। अगर आपके रूम में हीट लोड बहुत ज्यादा है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो फैन की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आपके रूम में ठंडी है तो फैन की स्पीड कम हो जाएगी। अब इस मॉडल में 6-in-1 होता क्या है, आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल्स। जैसे कि आप एसी के रिमोट के फंक्शंस में देख पा रहे हैं कि ऊपर की साइड 6-in-1 लिखा हुआ है और नीचे की साइड AC+4 लिखा हुआ है। जो नीचे की साइड में लिखा हुआ है AC+4, ये चार मोड सभी कंपनी के एयर कंडीशनर में होता है। ये मोड होते हैं ऑटो मोड, ड्राई मोड, कूल मोड, हीट मोड और फैन मोड। लेकिन ये LG के AC में ऊपर की साइड 6-in-1 लिखा हुआ है, ये भी मोड ही है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन सभी AC में अवेलेबल नहीं है। ये फंक्शन आपको सिर्फ LG AC में ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट मोड में इनका कहना है कि क्राउडेड एंड वेरी एक्टिव, इट मींस दैट कि जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं और एक्टिविटी लोगों की ज्यादा है, वहां पर आप मोड 1 का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको 100% कैपेसिटी के साथ कूलिंग प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक योर ऑफिस, जहां पर क्राउडेड बहुत ज्यादा रहता है और एक्टिविटी काफी ज्यादा मात्रा में रहती है। दूसरे मोड में इनका कहना है कि सम पीपल एंड लो एक्टिविटी, यानी कि जहां पर कुछ ही लोग हो और लो एक्टिविटी हो, वहां पर आप सेकंड मोड का यूज कर सकते हैं, जो आपको 80% कैपेसिटी के साथ कूलिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपके घर का लिविंग एरिया हो गया, जहां पर एक्टिविटी काफी कम होते हैं और कुछ ही लोग होते हैं। तीसरे मोड में इनका कहना है कि फ्यू पीपल्स एंड लो एक्टिविटी, कि जहां पर कुछ ही लोग हो, 2 या 3, और एक्टिविटी भी काफी कम हो, वहां पर आप तीसरा मोड यूज कर सकते हैं, जो 60% कैपेसिटी के साथ आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। चौथे मोड में इनका कहना है कि फ्यू पीपल्स और नो एक्टिविटी, जहां पर कुछ लोग तो होंगे मगर एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी, जैसे आपका बॉस का रूम हो गया, जहां पर आना जाना बहुत कम होता है, वहां पर आप फोर्थ मोड का यूज कर सकते हैं, जो आपको 40% कैपेसिटी के साथ कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और पांचवें मोड के बारे में हम आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुके हैं, AI मोड के बारे में, जो रूम की कंडीशन को सेंस करता है, उसके आधार पर फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करता है। और छठवां मोड होता है विराट मोड। आप इस मोड का यूज जब घर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो या फिर आपके यहाँ पर कुछ फंक्शंस हो, तब यूज कर सकते हैं। विराट मोड में आपको 110% कैपेसिटी के साथ कूलिंग प्रोवाइड करता है। इट इज अ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट इज अ कॉल्ड ऑफ विराट मोड। और ये फंक्शंस आपको LG के अलावा किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। अगर हेल्थ पर्पस के हिसाब से बात की जाए तो LG के इस AI मॉडल में पैंडेमिक के बाद हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। कंपनी ने इस मॉडल में एंटीवायरस सिल्वर कोटेड फिल्टर यूज किए हैं, जिसमें LG का कहना है कि ये 90% बैक्टीरिया और वायरल को डीएक्टिवेट कर देते हैं और हानिकारक पदार्थ को हटा देते हैं। इसीलिए LG का कहना है कि इंश्योर हेल्थ इंश्योर हाइजीन। LG के इस मॉडल में ब्लैक ओशियंस फिन्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो फिन्स के ऊपर ब्लैक कलर का कोटेड किया गया है, जिससे कि धूल के पार्टिकल डायरेक्ट आपकी कॉपर कॉइल पे नहीं लगेंगे और लीकेज के चांसेस थोड़े कम हो जाए। तो LG के अंदर यूज होने वाले कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर होते हैं, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये रोटेड होते हैं, जिसके अंदर डबल मोटर लगी होती है, जो बाकी एयर कंडीशनर के कंपैरिजन में हवा को जल्दी ठंडा करता है। इसी कारण इसे डबल इन्वर्टर AC कहा जाता है, और साथ ही यह हीट लोड के अकॉर्डिंग पावर को खर्च करता है। आगे बात की जाए तो LG के इस मॉडल में ADC सेंसर का यूज किया गया है। A का मतलब होता है एम्बियंट टेम्परेचर, जो कि वातावरण के टेम्परेचर को सेंस करता है। D का मतलब होता है डिस्चार्ज सेंसर, जो कि डिस्चार्ज लाइन में फ्लो हो रहे रेफ्रिजरेंट या फिर गैस के टेम्परेचर को मेजर करता है, और साथ ही कंप्रेसर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। C का मतलब होता है कंडेंसर कॉइल सेंसर, जो कि आपकी आउटडोर यूनिट में लगा होता है, जो कि कंडेंसर के टेम्परेचर को मेजर करता है। ये तीनों सेंसर सभी कंपनी के AC में पाया जाता है, लेकिन LG में इसे आपकी सेफ्टी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए इनबिल्ड किया गया है। LG के इस मॉडल में ThinQ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही इसे मॉनिटर कर सकते हैं।
LG के इस मॉडल में एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, AI स्पीकर और ऐप के साथ कंपेटिबिलिटी प्रदान करता है, जिन्हें कि आप वॉइस कमांड देकर यूज कर सकते हैं। BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से इसमें आपको 5-स्टार रेटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी इजर वैल्यू 5.20 की है, जो कि पावर कंजप्शन के हिसाब से बहुत अच्छी है। और साथ ही इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5950 वाट है। आप अगर LG का AC पूरे साल भी यूज करते हैं तो उसमें जो यूनिट खर्च होगी वो होगी 521.20 पर ईयर। अगर हम वारंटी की बात करें तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के PCB की वारंटी 5 ईयर होती है और कंप्रेसर की वारंटी 10 ईयर होती है। अगर आप LG का AI मॉडल खरीदते हैं तो आपको अलग से स्टेबलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही स्टेबलाइजर इनबिल्ड होता है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमारी ID है डीप टेक्निकल वर्ल्ड, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर हमने आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।